वेलकम बैक टू माई चैनल इमरान हूँ। आज मैं आपके लिए एक नाइट स्किन केयर का एक प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू देने वाली हूँ, और ये है अर्थ रिदम रिन्यू ओवरनाइट जेल विद 70% स्नेल म्यूसिन। दिस इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एक स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, आपकी फाइन लाइंस, आपकी एजिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ये एक ना जेल मास्क की तरह है, बहुत ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी है इसकी। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, जो इन्होंने लिखा है या जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये है 50 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी है, काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है। 2 ईयर शेल्फ लाइफ है इसकी, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रुएल्टी फ्री और वेगन प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है, अर्थ रिदम के। सेकेंडली बात यह है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। 70% तो स्नेल म्यूसिन है। सेकेंड वन जो है इसके अंदर एलोवेरा जेल है। थर्ड वन जो है इसके अंदर वो है हारलोनिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को बहुत नरिश करेगी, सफल करेगी। अब हम एक एक करके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है 70% स्नेल म्यूसिन जो है इसके अंदर वो है। तो ये क्या करता है, इसका जो मेनली जो काम है वो आपकी स्किन में जो मॉइस्चर खो चुका है, आपकी स्किन जो बहुत डल है उस मॉइस्चर को ये रिटेन करता है, आपके सेल्स के रीजनरेशन करता है, आपके सेल में, स्किन के सेल्स में रीजनरेशन करता है, सॉरी, आपकी जो फाइन लाइंस हैं उनको काफ़ी हद तक रिपेयर करेगा, ये एजिंग प्रोसेस आपका स्लो करेगा। बहुत अच्छा है ये। इसे मैं देखिए अप्रॉक्स सही बताऊँ, मैं आपको अप्रॉक्स 15 to 20 days हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, और मेरी स्किन पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि लगाने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ हो, एज सच कुछ भी नहीं लगा है मुझे। सेकंड जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल, जो कि मेरा फेवरेट है। हर चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन के लिए। एलोवेरा जेल अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, या आपकी स्किन को नरिश करता है, विटामिंस प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन में एक्ने को ख़त्म करता है। ठीक है, थर्ड वन जो इसमें इंग्रेडिएंट है हायलुरोनिक एसिड है, ये आपकी स्किन को जाहिर सी बात है बहुत स्मूथ बनाएगा, प्लम बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, बहुत प्यारी प्यारी करता है आपकी स्किन को। जनरली यूज़ करते ही है सब, हर प्रोडक्ट में आजकल आता है ये। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक हेल्दी एजिंग प्रोसेस कहलाएगा मेरी तरफ से, और ये कंपनी क्लेम भी करती है, और ये सच बात है बिल्कुल, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि ये कैसा दिखता है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट। देखिए बहुत ही प्यारी पैकेजिंग ही, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो अच्छे से, मैं इसका फोटो अटैच कर दूंगी। ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई लीकेज नहीं है। हाँ, लेकिन ग्लास है तो थोड़ा सा आपको सेफ्टी से रखना पड़ेगा इसे, और मैं इसे यहां तक यूज कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं ये यहाँ तक मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है। अब इसको मैं बता देती हूँ आपको इसको यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करना है आपको आपके स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है। ये ओवरनाइट जेल है। आप जब अपना कंप्लीट नाइट के स्किन रूटीन कर लें, फाइनली आप अपनी नाइट क्रीम लगा लें, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। आपको इसको अपने स्किन पर पंप करना है, मसाज करना है, तब तक कि अब्सॉर्ब ना हो जाए, और सच में ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसका कंसिस्टेंसी मैं बता देती हूँ आपको, पंप फॉर्म में है ये, और ये है प्रोडक्ट। देखिए बहुत प्यारा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इमीडिएटली अब्सॉर्ब हो जाएगा। थोड़ी देर आपको दो, मतलब एक मिनट ही आपको मसाज करनी है सिर्फ, उसमें ही हो जाएगा ये कंप्लीट अब्सॉर्ब। ये देखिए मैंने इसे कहाँ से बाय किया है, मैंने इसे नायका से बाय किया है, और ये एक्चुअल जो प्राइस रही है इसका वो है 899, लेकिन मुझे ये 850 के अप्रॉक्स पड़ा था, मुझे 10 to 20 rupees के अप्रॉक्स, मतलब जो भी था मुझे ऑफ मिला था नायका से। तो जब भी ऑफर आया तो डेफिनेटली आप इसे बाय करें, इसे यूज़ करें, अपने स्किन केयर में ज़रूर ज़रूर डालें।
मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है, वैसे ही सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, लिखा हुआ है इसमें ऑल स्किन टाइप एंड फॉर सेंसिटिव स्किन यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको आती है, अगर आपको लगता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, स्टॉप कर दीजिए आप इसे यूज़ करना। ये मेरी तरफ से इसका रिव्यू था। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें। बाय बाय।